ये क्या ढेर लगा हुआ यहाँ पे, ये फड़िया ही है जिहड़ियां चरस नहीं बेच दियां। और ये जो रीजनेबल सी सामने खातून, ये तो इन्हां दा मेन बॉस है जी। असल में आप तो बात पता क्या है, इंसान कोई बुरा नहीं होता, ये मुआशरा उसे बुरा बना देते हैं जी। ये रूसो ने कहा था, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए 7 किलो चरस मुझ पे डाल के 9C लगा दी। असी फड़िया जनाब, आ जिहड़ियां 2 कुड़ियां नी इहदियां क्लाइंट आ। क्यों बीबी आप इनसे लेती हैं? कदी टेंशन होवे ते मैं ले लैनी आ, पता जिंदगी कितनी मुश्किल है। रहती किधर है आप? लियारी। लियारी रहती है तो बोल आप पंजाबी रही। तुसी उठे आके ते वेखो, लियारी च अद्धे तो ज्यादा पंजाबी रहंदे ने। और ये जो पीछे बैठी है ये दुल्हन बन के, ये क्या है? ये भी इना दी साथी होर मैं अपनी फुफी भाई है। जब बच्चों के सर पे कोई ना रहे ना, सारी बातें ऐसे दो नंबर काम करने पड़ते। तू सिलाई मशीन चला ले, कोई मेहनत कर ले। सिलाई मशीन ना की बना, तू तोप चला कोई। अगर साहब आप इतनी बातें कर रहे ना यहाँ बैठ के, अब मुझसे शादी कर ले, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। आगे साहब एक नेकी तो मिल रही है, जाया ना कर। मैं पहले से ही नेकी शुदा हूँ भाई। आप तब नेकियां बंदा चार चार तो कर सकता है ना जी। तुसी इहदे नाल ब्याह करो, तुहानू 4 दा सवाब मिलेगा। भाई मेरा इस शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं एक शादी पे यकीन करने वाला आदमी हूँ और वो हो चुकी है। मेरी अम्मी बहुत नेक है, बहुत अच्छा पकाती हैं। अच्छा अम्मी की बात कर रही हो, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? वाह ये जी ने एक की थी। अच्छा शेर तो सुनो। गुनाहगार तो पहले करो हमें एक बार, हो बेकरार बहुत संगसार करने को। गुनाहगार तो मुझे करो एक दफा, तुम्हें अल्लाह आ गया मेरी तरफ देखते भी। गुनाहगार करते होते थे आप। जफर साहब का ये शेर इसके साथ एक दूसरी गजल का शेर याद आ रहा है। चेहरे से झाड़ पिछले बरस की कदूर ते, दीवार से पुराना कैलेंडर उतार दे। जो भी कहोगे मैं दीवारों से कैलेंडर हर चीज उतार दूंगी, बाकी प्लीज मुझे स्वीकार कर लो। अल्लाह माफ करे, मैं तो दूर दूर तक दिन तक। मैं दसना जनाब असल मसला की है। मैं घरों निकलिया तो दिल घबराया कि सकंजवी पीनी चाहिए, गर्मी बड़ी थी। मैं क्या रेहड़ी लभी है कितने सकंजवी दी, अचानक मेनू नज़र आई है दूर खड़ोती सी रेहड़ी। मैं कोल गया वहाँ, मैं क्या एक गिलास सकंजवी का बना। उन्हें जनाब गिलास बनाया है बड़ा मज़ेदार, मैं पीता है ठंड पै गई। मैं पर्स खोलिया है, 500 का नोट कट के मैं क्या बकाया मैनू दे। वो नोट फड़ के कहना ओए ए तो जैली नोट है। मैं कह किमें हो सकता है, मैंने तो मेरे दादे ने दिता है और दादा जी ने पेंशन मिली थी, नोट किमें नकली हो सकता है। लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। जनाब आवाज सुन के मेरे दिल कर दे मैं अपने 20 किलो पा के अंदर हो जाऊं। बंदे इकट्ठे हो गए फिर क्या है? और नहीं यार चुप रहो, इकट्ठे हो गए। अच्छा आफ्ताब अगर आपकी इजाजत हो, मैं पहले भी बागी से टाइम ले चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे नून मीम राशिद सुना दे। तुम्हें नून मीम राशिद का पता है कौन था? माय फेवरेट शायर। पूरा नाम क्या था उसका? उनका पूरा नाम था नासिर मस्ताना राशिद। तन्हाई में कर रहा था परिंदों से बातें, मैं ये कह रहा था परिंदों नई हमद गाओ, कि वो बोल जो एक जमाने में भंवरों की बाहों पे उड़ते हुए बाघ के आखिरी मौसमों तक पहुंचते थे, अब रास्तों में झुलसने लगे हैं परिंदे लगातार। लेकिन परिंदे हमेशा से अपने ही आशिक, सरासर वही आसमां चीखते थे, मैं ये कह रहा था सुनाती हैं जब शहर में बिल्लियां अपनी जुफ्ती की मासूम बातें। ए शायरा दा निशान। पियो मोटी औरत है, उन्हें हॉक हॉगन दा कलाम सुना। अब उस अगर सुनाओ। वो हलब की कारवां सरा का हौज, रात वो सकूत जिससे हम किनार एक दूसरे से ठहरते रहे, तू कह उठी हसन यहाँ भी खींच लाई जहाँ की तिश्नगी तुझे, लो अपनी जहाँ की तिश्नगी को याद कर रहा था मैं कि मेरा हलक खुश्क हो गया, आंसुओं की बेबहा सखावतों से शाद काम हो गया। अल्लाह शफा दे दे। मगर ये वहम दिल में तैरने लगा के हो ना हो। जनाब इन्होंने ये गल्ला सुनी जा रहे थे, मैनू टाइम नहीं दे रहे जे, बंदे तो नस गया उतों जनाब मेरा 500 का नोट लैके, पर मैं उतें खलोता रह गया। मेरा मामे का पुत्र उतो लंघिया, उन्हें आके मैंने बचाया। तो कंजवी वाला कहता गिलास दे पैसे दे। जी साढ़े वाला सही बोर कर रहा, चलो जी। टेंशन ही नहीं है जिंदगी, कितने चले जाइए, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कंधा नाल जाके गल करा, टेलीफोन के उत्ते कोई गल सुनता नहीं। मेरा नंबर लिख मेरे ना कर।
जॉन की एक नज्म का टुकड़ा मुझे याद आ रहा है, दो लाइन। झड़ दे फिके तेरे शेर सुन फड़ के मैं मरना नहीं हुई वो तो फिर उल्टू तू शुरू कर ली। वो असल में दरखास्त ये थी तेन लवे मौला तेरे आदि मेरी करवा दे प्लीज, अब तब मैं दुआएं दूंगी झोलियां उठा के। आंटू ये अगला फ्लैग तो मुकर गया है। मुझे याद आ गया, अब तब आपका एक दोस्त होता था वो कॉर्नर पे बैठा करते थे, वो जावेद इस्लाम, उनसे मेरी मुलाकात हो सकती है? उन्होंने पहले फरिश्ते लभदे फिरदे ने, उस चुकी कि नहीं। अब तब पहले कई बात को खत्म करते हैं, हकीम ही ठीक है। बोलते क्यों नहीं हो, चुप करके बैठे हो? अच्छा हो जब बंदे जितियां जितियां मार के ब्याह देते ने बचिए महल्ले दियां, चल नाल नाल चलो से वो कहना भाई मेरा कसूर चल निकल, कई बार नहीं भी खाओ भी नाल चल जाते। तुम गौर ना वेखी तो लगता चिड़े नु करंट इधरों आके वेख लगता कूड़ा चुकने वाला हैलीकॉप्टर होता। सब आफताब सर तुहाडे क्यों खिलाफ ने? इस करके कि हर शरीफ आदमी के खिलाफ है। ये तो हो गई ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज एंकर तुम काम कर सकते हो? नहीं जो मुसीबत उन्होंने वोकैबलरी पीछे मालूमात नॉलेज उन्होंने नहीं किसी को हो सकता। तुम्हारा नहीं है ये सारा कुछ? मेरा नहीं है भाई। ये जो काड़ा स्टेशन पर तमाशा किया करते थे वो होस्टिंग ही थी और क्या होता है, सारे मजमे को आगे लगा लेते थे। सर वो तो और होता है, वो तो लाइव होता है। आप लोग कभी बिजू ने काटा? ये बैजर को बैठे ने, बैजर ने मदारी कहा इन पर कर ला। मैं तेरा तीन दिन तमाशा मुफ्त करांगा। मेरा आधा वक्त इस काम में गुजरता है, अच्छा फल या अच्छी चीज बच्चों के लिए लाता हूँ। और बच्चियां वास्ते ले आऊंगा, काफरां वास्ते ले आऊंगा।